नमस्कार, योजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंचरत्न दाल, यानी कि उसमें हम पांच दालें मिलाएंगे और उसको तड़के के साथ बनाएंगे। तो चलिए हम मिलकर बनाते हैं। पंचरत्न दाल के लिए मैंने ये पांच दालें ली हैं, उड़द धुली, अरहर, मूंग छिलका, चने की दाल और उड़द छिलका। ये करीब हमने 2-2 टेबल स्पून करीब भर के लिए हैं। अब इनको मिला लेते हैं हम। देखिए ये वाली कटोरी भर के एक कटोरी दाल हो गई है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से पानी से धो लेते हैं और धो के फिर आधे घंटे के लिए हम इसको, एक कटोरी दाल है मिक्स दाल, तो हम इसमें 6 कटोरी पानी डाल के और इसको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। ये दाल हमारी आधा घंटा भीग गई है और 6 कटोरी पानी डाल के मैंने इसे भिगोया था। अब इसी पानी के सहित मैं इसको कुकर में डाल दूंगी। देखिए दाल सारी मैंने कुकर में डाल दी है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून हल्दी डालने जा रही हूँ और 1 टीस्पून नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिला के और इसमें कुकर का ढक्कन लगा के और वेट लगा के मैं गैस पे चढ़ा दूंगी। अब कुकर में मैंने ढक्कन लगा के और वेट लगा के गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें जैसे ही सीटी आएगी तो हम इस ऐसे ही तेज़ आँच पे 3 सीटी आने देंगे, फिर हम 5 मिनट के लिए गैस सिम पे कर देंगे और फिर 5 मिनट बाद गैस बंद कर देंगे। हमारी दाल तैयार हो जाएगी। ये हमारी दाल बन रही है, तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून करीब देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी के गर्म होते ही इसमें हम ये हींग डाल देंगे। और ये जीरा डाल देंगे। ये जीरे के चटकने के बाद फिर हम इसमें लहसुन और प्याज डालेंगे। जीरा हमारा क्रैकल हो गया है, इसमें मैंने ये अदरक लहसुन डाल दिया है। ये 7-8 कलियां लहसुन की हैं और ये थोड़ा सा अदरक मैंने कद्दूकस करके ये डाल दिया है। बस ये थोड़ा सा भून लेते हैं हम। बारीक कटी हुई मैंने करीब 2 बड़ी प्याज ली हैं, बारीक कटी हुई प्याज डाल देती हूँ और इसे थोड़ा सा सुनहरा होने तक भुनेंगे। देखिए हमारी प्याज काफ़ी अच्छी सी हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं ये 3-4 कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और ये 2 टमाटर को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, इसको डाल दूँगी और इसको मिला के अच्छी तरह से फिर हम 5-10 मिनट के लिए भुनेंगे। ये प्याज टमाटर हमारा बहुत अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें मैं ये लाल मिर्च डालने जा रही हूँ और इसे मिला के फिर लास्ट में ये हरा धनिया डाल दूंगी और हमारा तड़का तैयार है। जैसे ही दाल भी मैंने बंद कर दी है, जैसे उसकी स्टीम निकल जाएगी फिर हम उस दाल में इस तड़के को मिला देंगे। देखिए दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है और ये इधर तड़का भी तैयार हो गया है, तो उस तड़के में मैं इस दाल को डाल देती हूँ। ये देखिए हमारी मिक्स दाल, पंचरत्न दाल हमारी बिल्कुल अच्छे तड़के वाली तैयार है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। अब ये पंचमेल दाल खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।